हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर चालू करते वक्त नहीं चल रहा है या आप जैसे इसे ऑन करते हैं चलकर बंद हो जा रहा है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे, वो भी अपने घरों में, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ ही इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास उषा का मिक्सर ग्राइंडर है और हमने इसे प्लग कर दिया है, बिजली से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर किस तरह से वर्क करता है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑन किया है और ये जो है नहीं चल रहा। थोड़ा सा स्विच को इस तरह से हम दबाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑन किया लेकिन नहीं चल रहा। जैसे स्विच को थोड़ा सा दबाएंगे तो ये चल पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसमें रेगुलेटर खराब हो जाने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो इसे हम ठीक करेंगे। बेसिकली जो है, अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर ऑन नहीं होता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आपके मिक्सर ग्राइंडर का जो मोटर है वो जल गया हो, या आपका रेगुलेटर खराब हो गया हो, या आपके मिक्सर ग्राइंडर का जो ये पार्ट है ये आपका खराब हो गया, तो ये इन सभी कारणों की वजह से जो है हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो वो ऑन नहीं होता है। तो हमारे केस में जो है रेगुलेटर खराब है, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए हमें एक नया रेगुलेटर चाहिए। ये बेसिकली आपको 30 से 40 रुपए के अंदर में आपको ये मार्केट में मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको ये टूल्स आपके पास होनी चाहिए, एक पिलास और एक आपके पास स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों की मदद से आज हम इसे ठीक करेंगे। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। कुछ इस तरह से इसे हमें पलट लेंगे। सभी स्क्रू को आप एक जगह अच्छे से रख लीजिएगा, ताकि जो है स्क्रू आपका खोए ना। तो देख सकते हैं, हमने इसे अच्छे से खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को खोलेंगे। तो इस पार्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हम नोब को निकालेंगे। तो नोब को कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं एक नट है, इसे आपको खोलना है। तो इसे आप पिलास की मदद से भी खोल सकते हैं। इसमें काफ़ी जंग लग गया था, जिसके कारण हमने वीडियो को कट करके इसे खोला है, लेकिन ये पिलास से बड़ी आसानी से खुल जाता है। तो हमने इसे खोल लिया है, देख सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका एक फोटो खींच के रख लेंगे, ताकि जो है ये जो वायर है इसे लगाने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पोजीशन है, तो हम एक एक करके खोलेंगे और एक एक करके इसमें पहले हम लगा लेंगे। एक एक करके हम खोलेंगे और एक एक करके इसमें वायर जो है हम अच्छे से लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये वायर खोल लेते हैं। ये वायर हमारा बीच में था, अब ये वायर खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पुराने वाले को खोल लिया है और नए वाले को अच्छे तरीके से इसमें वायर को फिट कर दिया है। तो अब चलिए हम पहले इसको खोल लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एकदम सीधा आपको यहां पे लगा देना है। और पिलास की मदद से इसे आप टाइट कर लीजिए। तो ये हमारा जो है अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। तो अब हम इसे नोब को भी लगा देते हैं। तो नोब भी जो है हमारा अच्छे तरीके से
लग चुका है। तो अब हम इसके पार्ट्स को जो है इसे अच्छे तरीके से असेंबल कर लेते हैं। सभी स्क्रू को जो है अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सही तरीके से असेंबल कर लिया है, सारे पार्ट्स को हमने लगा दिया। अब चलिए हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्लग को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है, अब चलिए हम इसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने घरों में अपने मिक्सर ग्राइंडर का रेगुलेटर खुद से चेंज कर सकते हैं और आप 500 से 600 रुपया बचा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।